बिहार बोर्ड क्लास 9th जून मासिक परीक्षा विज्ञान का देख सकते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ गया है मेरे पास। इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों बताऊंगा और इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करने बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए हम फटाफट सभी का आंसर बता देते हैं। 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव देगा, जिसमें आपको 25 ऑब्जेक्टिव का आंसर ओएमआर शीट पे देना है, ठीक ना। चलिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बताएंगे। पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक है, तो राइट आंसर 1 का आपका डी हो जाएगा, एन एम स्क्वायर बटे के जी माइनस 2, ठीक। दो नंबर कह रहा है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, तो जी का मान जो है घटता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अव्य श्रव्य ध्वनि सुन सकता है, तो राइट आंसर 3 का आपका बी हो जाएगा, गेंडा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 4 नंबर बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, पूरा रट के जाना है। 4 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होती है, तो 4 का बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, लोहा। 5 नंबर कह रहा है ऊर्जा की एसआई इकाई है, तो 5 का बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, जूल। 6 नंबर कह रहा है कि एम द्रव्यमान और भी वेग से गतिमान किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा है, तो 6 का बिल्कुल राइट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा, 1/2 एम वी स्क्वायर। उसके बाद आपका 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रस्सा कसी में हारने वाली टीम द्वारा किया गया कार्य होता है, तो वह आपका हो जाएगा 7 का सी राइट आंसर, ऋणात्मक। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है घनत्व का एसआई मात्रक होता है, 8 का बिल्कुल राइट आंसर 8 का सी हो जाएगा, केजी बटे एम क्यूब। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न कह रहा है 1 वाट बराबर है, तो 9 का बिल्कुल राइट आंसर आपका 9 का बी हो जाएगा, 1 जूल/सेकेंड। 10 नंबर कह रहा है भूकंप पैदा करता है, तो 10 का बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, अव्य श्रव्य ध्वनि। 11 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन युग्म संभारिक है, तो 11 का बिल्कुल राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद आपका 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 12 नंबर कह रहा है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो 12 का बिल्कुल राइट आंसर 12 का डी हो जाएगा, 2.8.1। 13 नंबर कह रहा है 3 प्रोटोन और 4 न्यूट्रॉन वाले एक परमाणु की संजक्ता होगी, तो इसका राइट आंसर 13 का आपका बी हो जाएगा, 1। 14 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 का बिल्कुल राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 15 नंबर कह रहा है नाइट्रोजन गैस का रासायनिक संकेत है, तो 15 का बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, एन। उसके बाद आपका 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 6.022×10^23 बराबर, तो 16 का राइट आंसर ई हो जाएगा, 1 मोल। 17 कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का प्रतिशत है, तो राइट आंसर 17 का ई हो जाएगा, 40%। 18 कह रहा है साधारण नमक और पानी के मिश्रण को किस प्रक्रिया द्वारा पूर्णतः अलग किया जा सकता है, तो 18 का राइट आंसर ये हो जाएगा, वाष्पीकरण। उसके बाद आपका 19 नंबर कह रहा है परमाणु का पहला मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, तो 19 का राइट आंसर डी हो जाएगा, जे जे थॉमसन। उसके बाद आपका 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1C2SO4 में एफ ई की संयोजकता है, एफ ई टू एस ओ फोर थ्री में एफ ई की संयोजकता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, +3। 21 नंबर कह रहा है एडवर्ड जनरल 1795 ने निम्नांकित में से किसकी खोज की थी, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, टीका। 22 नंबर कह रहा है निम्न में से किस रोगाणु पर प्रतिजैविक औषधीय का असर नहीं होता है, तो 22 का बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा, वायरस। उसके बाद आपका 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पशुधनों को दिए जाने वाले चारा का एक प्रकार है, तो 23 का बिल्कुल राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 26 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मुर्गियों का देसी नस्ल नहीं है, तो 24 का बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 25 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन मृत कोशिका है, तो 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पेरेन काइमा। उसके बाद 26 नंबर कह रहा है
फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है, तो 26 का राइट आंसर ये हो जाएगा एपिथीलियम लियमी युतक में। 27 का राइट हृदय पेशियां होती है, 27 का राइट आंसर डी हो जाएगा अनैच्छिक रेखित एवं एक केंद्रीय। उसके बाद आपका 28 का राय कि निम्नलिखित में से कौन पौधों में पानी और खनिजों का संचालन करता है, तो राइट आंसर 28 का ए हो जाएगा जाइलम। 29 का राय उभयचर के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा 3। 30 का राय निम्नलिखित में कौन उष्ण रक्तीय प्राणी है, तो 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा चूहा। अब चलिए हम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का पीडीएफ डाउनलोड करने बता देते हैं आंसर के साथ। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोल लेना है, गूगल में सर्च करना है एसके नॉलेज क्लास, एसके नॉलेज क्लास लिख के आपको सर्च मारना है। फर्स्ट नंबर में वेबसाइट आएगा skknowledgeclass.com, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करिएगा नेक्स्ट पेज आपका खुलेगा। अब आपको ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ आपको आंसर की वाले टैब दिखेगा, इस आंसर की वाले टैब पे क्लिक करना है, ठीक ना। जैसे ही आंसर की वाले टैब पे क्लिक करिएगा नेक्स्ट पेज खुलेगा, यहाँ क्लास 9th जून मंथली एग्जाम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, इस पे क्लिक करना है। ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ जो भी विषय का आपको डाउनलोड करना है कर लीजिए, सोशल साइंस, साइंस ऑब्जेक्टिव यहाँ से, सब्जेक्टिव यहाँ से, बस डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है, आके डाउनलोड कर लेना है।